गरीब मजलूम की आवाज़ को सबसे बड़े पंचायत में अपनी बात को उनके माध्यम उनकी बात को अपने माध्यम से सुनाओ। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। देखिए, देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कई जगहों पर मतदान हो गए, कई जगहों पर मतदान की तैयारी चल रही है, तो कई जगहों पर अभी नॉमिनेशन का ही दौर चल रहा है। ऐसे में जहां नॉमिनेशन चल रहा है वहां पर कई नेताजी बड़े अजीबोगरीब अंदाज में, बड़े निराले अंदाज में पहुँच रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए, ताकि जो मतदाता हैं, जो उनको देखने वाले हैं, वो उनके तरफ आकर्षित हो जाएं और मत जो है वो उनको ही मिले। तो वैसे में सभी नेता अपने अपने अलग अलग अंदाज में, अपने अपने अनूठे अनूठे अंदाज में कोई ठाट बाट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई अजीब व गरीब अंदाज में नॉमिनेशन दाखिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी करीब सबसे पहला नाम जुड़ा पप्पू यादव का, जो ठाट बाट से दिखाए बुलेट पर सवार होकर जब वो नॉमिनेशन करने के लिए निकले तो उनके पीछे एक लंबा काफिला लोगों का हो लिया। उसके बाद उसके कुछ ही समय के बाद हाजीपुर लोकसभा सीट से शिवचंदर राम, जो कि राजद के कैंडिडेट हैं, उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया तो उनके पीछे भी एक हुजूम देखने को मिला। उनका जो अंदाज था वो कुछ ऐसा कि वो नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए साइकिल पर सवार होकर निकले थे, जो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे थे। उसके बाद पिछली दफ़ा आपने देखा होगा एक कैंडिडेट को मैंने दिखाया था जो गधे पर सवार होकर नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे ही एक खबर लेकर मैं आज फिर से आया हूं। आज की जो खबर है ये वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से है। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पे लगातार कई जो कैंडिडेट हैं वो निराले अंदाज में पहुंच रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं रमेश प्रसाद की। रमेश प्रसाद एक रिटायर्ड फौजी हैं। फौजी से रिटायर होने के बाद वो इस बार लोकसभा के चुनावी मैदान में हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने चुनाव लड़ने का तय क्यों किया, तो साफ तौर पर रमेश प्रसाद ने कह दिया कि मैं गरीबों और मजदूरों का आवाज़ बनना चाहता था, लेकिन सरकार मेरी आवाज़ को सुनती नहीं थी, तो ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना सरकार में ही शामिल होकर गरीबों और मजदूरों का आवाज़ बना जाए। क्या कुछ कह रहे हैं रमेश प्रसाद, सुनिए। मैं जब से सेना में से रिटायर आया हूँ अपने गांव नगर की इतनी दुर्दशा देखी, मैं गरीबों मजलूमों की आवाज़ को उठाते रहता हूँ, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनती नहीं है। ठीक। इसलिए मैं ठाना कि मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ूं और गरीब मजलूमों की आवाज़ को सबसे बड़े पंचायत में अपनी बात को उनके माध्यम उनकी बात को अपने माध्यम से सुनाऊं, वहाँ रखूँ, इसी के लिए मैं चुनाव लड़ूं। किस लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं? किस लोकसभा से? वाल्मीकि नगर। क्या नाम होगा तो अभी आप सुन रहे थे वाल्मीकि नगर से कैंडिडेट रमेश प्रसाद को। रमेश प्रसाद निर्दलीय कैंडिडेट हैं और वहां से नॉमिनेशन करने के लिए जब वो निकले तो वो बैलगाड़ी पर सवार होकर निकले। बैलगाड़ी पर सवार होकर निकलने के कारण जो है वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके पीछे समर्थक आपको साफ तौर पर दिख रहे होंगे, भारी संख्या में उनको समर्थन भी मिल रहा है। तो ऐसे में जब वो अपने नॉमिनेशन के दरमियान जब वो रास्ता तय कर रहे थे तो वहाँ पर एक नारेबाजी, आप सुनिए ध्यान से कि किस प्रकार से वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान की जो नारेबाजी आपने सुना, इसको साफ तौर पे आप समझिए कि यहाँ पर दोनों चीज़ों को जोड़ कर दिखाया गया, एक किसान और एक जवान। जवान इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि रमेश प्रसाद जो हैं वो एक रिटायर्ड जवान है, वो सैनिक है, तो उनके लिए जवान कहीं ना कहीं सूट करता। तो वहीं बैलगाड़ी से जो निकले हैं, जो किसानों का प्रतीक है, तो इन दोनों को जोड़ता हुआ ये नारा जो है वो कहीं ना कहीं बुलंद हो रहा है और एक निराला अंदाज कह सकते हैं रिटायर्ड फौजी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।